Hello children, once again welcome to all of you in our today's session. Today we are going to start our new chapter, chapter 11, force and pressure. In class 11th you have learned how object move. Do you recall how we can decide whether an object is moving faster than the other? What does the distance moved by an object in unit time indicate? You also know that a moving object like a ball rolling on the ground slows down. Sometimes it may change its direction of motion. It is also possible that the ball may slow down and also change its direction. Have you ever wondered what makes an object slow down or go faster or change its direction of motion? Okay children. इन क्लास 7th हमने ये स्टडी की थी, ये पढ़ा था कि एक ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है. और क्या आपको याद है कि हमने ये भी स्टडी की थी कि कोई ऑब्जेक्ट है ना कैसे दूसरे ऑब्जेक्ट से स्लो या फास्ट मूव करता है, या फिर उनका जो डिस्टेंस है, जो एक ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस कवर करता है इन अ यूनिट टाइम, व्हाट इट इंडिकेट. ओके चिल्ड्रन, नाउ अगर कोई बॉल रोल कर रही है ना, और वो धीरे धीरे ग्राउंड पे रोल करते करते एकदम से उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, या फिर वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है, या फिर दोनों जो एक्शन वो एक साथ होते हैं कि एक बॉल जब फास्ट रोल कर रही है किसी ग्राउंड पे और वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है, उसका जो रोल खंड होना है वो स्लो हो जाता है और साइमल्टेनियसली वो अपना डायरेक्शन भी चेंज कर लेती है. तो ऐसी क्या चीज़ है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लो या फास्ट मूव करती है ना, या फिर उसका डायरेक्शन चेंज करती है. किसी भी ऑब्जेक्ट का ये सब एक्शन है किस चीज पे डिपेंड करता है. लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंसेस. व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव? व्हाट डू यू डू टू मेक अ मूविंग बॉल मूव फास्टर? हाउ डज अ गोलकीपर स्टॉप अ बॉल? चिल्ड्रन, अगर हम हमारा जो एवरीडे एक्टिविटी है या एक्सपीरियंसेस है उसको हम रिकॉल करें, तो ऐसी क्या चीज है जिससे कि एक फुटबॉल मूव करती है? ऐसी क्या चीज़ है जिससे कि कोई भी जो मूविंग बॉल है वो फास्टर या स्लोअर मूव करती है, या फिर एक गोलकीपर है वो बॉल को स्टॉप करने में, रोकने में सक्सेस होता है? ऐसी कौन सी एक्शन है, ऐसी कौन सी चीज़ है? अ हॉकी प्लेयर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल विद अ फ्लिक ऑफ द स्टिक. जब हॉकी प्लेयर किसी भी जो बॉल है, मूविंग बॉल है, उसको अपने स्टिक से फ्लिक करके, यानी कि इसको एक झटके से इसको हिट करके उसका डायरेक्शन कैसे चेंज कर देता है? हाउ डज फील्डर स्टॉप अ बॉल हिट बाय अ बैट्समैन? किस तरीके से जो फील्डर्स हैं, जब बैट्समैन किसी भी बॉल को हिट करता है तो कोई भी फील्डर उसको बॉल को कैसे स्टॉप करता है? In all these situations, the ball is either made to move faster or slower or its direction of motion is changed. Children, ये सारे जो action अभी अपन ने देखे हैं, इनमें जो ball है या तो वो fast move कर रही है या वो slow move कर रही है, या फिर उसका direction, किसका direction, उसके ball के जो motion का direction है वो change हो रहा है. We often say that a force has been applied on a ball when it is kicked, pushed, thrown or flicked. What is a force? What can it do to bodies on which it is applied? We shall seek answers to such questions in this chapter. Children, हम बोलते हैं कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को या बॉल को किक्ड करते हैं, पुश्ड करते हैं, थ्रोन करते हैं, फ्लिक्ड करते हैं, तो फोर्स अप्लाइड होता है. आखिर में ये what is this force? और कोई भी जो बॉडीज है उस पर कोई भी फोर्स कैसे अप्लाई होता है, ये सब हम इसी चैप्टर में रीड करेंगे. 11.1 फोर्स, अ पुश और अ पुल. एक्शंस लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग आर ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क. ईच ऑफ दीज एक्शन यूजुअली रिजल्ट्स इन सम काइंड ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. कैन दीज टर्म्स बी रिप्लेस्ड विद वन और मोर टर्म्स? लेट अस फाइंड आउट. चलिए, सारे जो एक्शन यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग और पुलिंग, ये सब हमको क्या डिस्क्राइब, ये जितने भी एक्शंस हैं ये सब हमें ये शो करते हैं, ये डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका स्टेट ऑफ मोशन अफेक्ट हो रहा है, उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है. ओके चिल्ड्रन, लुक हियर इन दिस पिक्चर 11.1 ए. इन पिक्चर ए अ गोलकीपर सेविंग अ गोल. इन पिक्चर बी अ हॉकी प्लेयर फ्लिकिंग अ बॉल.
and in third picture a fielder stopping the ball. So in sub actions में क्या हो रहा है, जो object है उनका सेट ऑफ मोशन अफेक्ट हो रहा है, या तो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, या फिर स्लो हो रहा है उसका मोशन, या फिर फास्ट हो रहा है. Here children, activity 11.1 given there. See the table 11.1. Identifying action as push or pull. किसी भी action को कैसे identify करना है हमें, कि उसमें push हो रहा है, pull हो रहा है, या फिर lowering, flying, kicking, throwing, shutting, flicking, lifting. इनमें कौन सा action apply हो रहा है following conditions में. Description of the situation. First is moving a बुक placed on a table. किसी भी टेबल पर अगर बुक प्लेस करिए, उसको मूव करना है, तो उसमें कौन सा एक्शन अप्लाई हो रहा है. पुश करके हम उसको मूव कर सकते हैं, पुल करके हम उसको मूव कर सकते हैं, और थ्रू लिफ्टिंग ऑल्सो वी कैन मूव द बुक. ओके चिल्ड्रन, अब इसमें कौन सा एक्शन अपन देख रहे हैं, पुश या पुल, दोनों. इसमें पुश भी हो रहा है और पुल भी हो रहा है. ओके चिल्ड्रन, इन सेकेंड डिस्क्रिप्शन और इन सेकेंड सिचुएशन, ओपनिंग और शटिंग अ डोर. किसी भी डोर को ओपन या शट करते वक्त पुशिंग भी हो रही है, पुलिंग, लिफ्टिंग, लोअरिंग ऑल्सो. तो इन दोनों में यस, इसको कौन से ग्रुप में रख सकते हैं अपन, पुश में भी एंड पुल में भी. इन थर्ड, ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल. अगर एक वेल से अपन एक पानी से भरी हुई जो बकेट है उसको अगर अपन उसको निकाल रहे हैं, तो उसमें लोअरिंग भी आएगा, फिर उसको लिफ्टिंग होगा, फिर पुलिंग होगा. तो इसमें दोनों पुश एंड पुल, दोनों एक्शन अप्लाई हो रहे हैं. एक फुटबॉल प्लेयर है, ठीक है, अगर वो पेनल्टी किक लेता है तो उसमें लिफ्टिंग भी हो रहा है, किकिंग भी हो रहा है, वो बॉल को हिट भी कर रहा है, एंड इसमें पुश हो रहा है, पुल नहीं हो रहा है. ओके चिल्ड्रन, इन नेक्स्ट सिचुएशन, अ क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट्समैन. इन दिस सिचुएशन वो बैट्समैन बॉल को हिट भी कर रहा है, थ्रो वो उसको लिफ्ट भी कर रहा है, थ्रो बैट, फ्लिकिंग भी हो रही है, एंड इसमें पुश हो रहा है, पुल नहीं हो रहा है. नेक्स्ट सिचुएशन में, मूविंग अ लोडेड कार्ट. अगर हम एक लोडेड कार्ट को मूव करते हैं तो उसमें पुलिंग भी हो सकती है, उसमें हम पुश भी उसको कर सकते हैं. तो इसमें दोनों सिचुएशन में हम इसको रख सकते हैं, इन पुश सिचुएशन आल्सो, इन पुल सिचुएशन आल्सो. नेक्स्ट इज ओपनिंग अ ड्रॉअर. अगर हम एक ड्रॉ को ओपन कर रहे हैं, यहाँ देखा ओपन कर रहे हैं तो हम उसको पुल करेंगे, है ना, हम उसको शट नहीं कर रहे, यानी कि हम उसको अगर शट होता तो पुश करते उसको. ओपनिंग अ ड्रॉअर मीन्स पुलिंग. ओके चिल्ड्रन, तो हम इसको ओनली जो पुल है उसमें ग्रुप करेंगे. डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ दीज एक्शंस कैन बी ग्रुप्ड एज अ पुश और एज अ पुल और अ पुश और बोथ. कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज टू बी पुश्ड और पुल्ड. सो चिल्ड्रन, इन सब सिचुएशन में हमने क्या नोटिस करा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम मूव करना चाहते हैं या मूव कर रहे हैं, तो ईदर वी हैव टू पुश इट और वी हैव टू पुल्ड इट. इन साइंस अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो इज कॉल्ड अ फोर्स. दस वी कैन से दैट द मोशन इम्पार्टेड टू ऑब्जेक्ट्स was due to the action of a force. When does a force come into play? Let us find out. So children, we can say ki what is force? A force could be push or pull. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना, इसे हम क्या बोलेंगे, फोर्स. ओके चिल्ड्रन, 11.2, forces are due to an interaction. Suppose a man is standing behind a stationary car. Will the car move due to his presence? Suppose the man now begins to push the car. Children, see figure 11.2a. इसमें कार है और जो एक मैन है, ही स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टैंडिंग कार. वो एक स्टैंडिंग कार के पीछे खड़ा हुआ है, तो क्या वो उसकी प्रेजेंस से, सिर्फ उसके पीछे खड़े रहने से कार अपने आप मूव होना स्टार्ट हो जाएगी? वो कौन सी कार है, स्टैंडिंग कार है. ठीक है, अभी स्टैंडिंग पोजिशन में है, तो सिर्फ वो उसकी प्रेजेंस से, पीछे खड़े होने से अपने आप मूव होना स्टार्ट नहीं होगी. लेकिन सिचुएशन जो 11.2 है, इसमें जो मैन है वो कार के बिहाइंड है और उसको पुश कर रहा है,
ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में दैट इज ही अप्लाइज अ फोर्स ऑन इट, द कार मे बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, नोट दैट द मैन हैज टू पुश द कार टू मेक इट मूव। चलो इस कंडीशन में क्या होगा, जबकि वो जो मैन है वो कार को पुश करने की कोशिश कर रहा है, तो वो कार मूव होना स्टार्ट हो सकती है। किस कंडीशन में, कि जो ये इसका जो पुश करना है वो अप्रोप्रिएट, उसको इतना इसके पुश होने से जो फोर्स इस पर अप्लाइड हो रहा है वो इतना अप्रोप्रिएट हो कि वो कार को मूव कर सके, उस कंडीशन में कार मूव होना स्टार्ट हो सकती है। 11 फिगर 11.3 शोज थ्री सिचुएशन दैट मे बी फेमिलियर टू यू। कैन यू डिसाइड हु इज पुलिंग एंड हु इज पुशिंग इन दीज केसेस? इन फिगर 11.3A बोथ द गर्ल्स अपीयर टू पुश ईच अदर, व्हाइल द पेयर ऑफ गर्ल्स इन फिगर 11.3B आर ट्राइंग टू पुल ईच अदर। सिमिलरली सी चिल्ड्रेन इन फिगर 11.3A, इसमें जो ये जो दोनों गर्ल्स हैं ये एक दूसरे को पुश कर रही हैं, यानी कि ये जो इसको पुश कर रही है यानी कि ये इसकी तरफ फोर्स अप्लाई कर रही है, और ये इसको पुश कर रही है यानी कि ये इसको फोर्स अप्लाई कर रही है, ठीक है ना। तो दोनों एक दूसरे को पुश करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यहीं हम अगर फिगर 11.3B में देखेंगे तो ये इसको अपनी तरफ पुल करने की कोशिश कर रही है और ये इसको अपनी तरफ पुल करने की कोशिश कर रही है। ओके चिल्ड्रन, तो इन दोनों में क्या हो रहा है, पुलिंग हो रहा है, जबकि इन दोनों में क्या हो रहा है, पुशिंग हो रहा है। तो ये भी एक दूसरे की तरफ अपना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये इस सिचुएशन में भी ये दोनों एक दूसरे को पुल करके फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर हम फिगर 11.3C को देखें, सिमिलरली द काउ एंड द मैन इन फिगर 11.3C अपीयर टू पुल ईच अदर, द गर्ल्स इन द टू सिचुएशन शोन हियर आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर, इज इट ऑल्सो ट्रू फॉर द मैन एंड द काउ? फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी कैन इन्फर दैट एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरैक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इन टू प्ले, दस एन इंटरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स इन फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। चिल्ड्रन फिगर 11.3C में अगर आप देख रहे हैं तो जो ये मैन है ये इस काउ को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश कर रहा है, जबकि ये जो काउ है ये इसको अपनी तरफ पुल करने की कोशिश कर रही है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। तो इन सारी सिचुएशन में हमने क्या ऑब्जर्व करा कि यहाँ पर भी टू ऑब्जेक्ट्स हैं, सब जगह तो टू ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए कम से कम, और उनके बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए तभी फोर्स अप्लाई होगा, अदरवाइज नॉट। क्योंकि यहाँ पर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में इंटरेक्शन नहीं था तो फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा था। सो फोर्स अराइजेज ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ओके चिल्ड्रेन, हेयर आई कैन गिव यू सम मोर एग्जाम्पल चिल्ड्रेन, कि अगर आप किसी को भी पंच कर रहे हैं या डोर को पुल कर रहे हैं या अपने फ्रेंड को पुश कर रहे हैं या फिर किसी बॉटल को पिक कर रहे हैं, है ना, तो इन सब में क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, या तो बॉल बॉटल और आप, या किसी बैट से आप बॉटल को हिट कर रहे हैं तो वहाँ पे टू ऑब्जेक्ट्स बॉल एंड बैट उनमें इंटरेक्शन हो रहा है ना। किसी डोर को पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं तो उसमें भी आप दो ऑब्जेक्ट में इंटरेक्शन हो रहा है। तो कब होगा फोर्स अप्लाई, जब किसी भी चीज़ को अपन पुश करेंगे पुल करेंगे, या कब भी कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन होगा तभी फोर्स अप्लाई होगा। इट मीन्स अ फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑल्सो। 11.3 एक्सप्लोरिंग फोर्सेज, लेट अस ट्राई टू लर्न अबाउट फोर्सेज। एक्टिविटी 11.2, चूज अ हैवी ऑब्जेक्ट लाइक अ टेबल और अ बॉक्स विच यू कैन मूव ओनली बाय अ पुशिंग हार्ड, ट्राई टू पुश इट ऑल बाय योर सेल्फ, कैन यू मूव इट नाउ, आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू हेल्प यू इन पुशिंग इट इन द सेम डायरेक्शन। फिगर 11.4A, इज इट इजियर टू मूव इट नाउ, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? नाउ पुश द सेम ऑब्जेक्ट्स बट आस्क योर फ्रेंड टू पुश इट फ्रॉम द अपोजिट साइड। फिगर 11.4B, डज द ऑब्जेक्ट मूव? इफ इट डज, नोट द डायरेक्शन इन विच इट मूव्स, कैन यू गैस विच वन ऑफ यू इज अप्लाइंग अ लार्जर फोर्स? चिल्ड्रन, यहाँ पर दो सिचुएशन गिविन है, सी फिगर 11.4A एंड फिगर 11.4B। यहाँ पर दो फ्रेंड्स हैं,
यहाँ पर एक हैवी लोडेड बॉक्स है, ठीक है, उसको पुश करने के लिए वो ट्राई कर रहे हैं। तो अगर सपोज करिए ग्राउंड में या टेबल पे एक हैवी लोडेड बॉक्स है और आप अकेले उसको पुश कर रहे हैं तो क्या वो मूव होगा? अगर वो आप जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको पुश करने के लिए उससे ज़्यादा उसका वो उससे ज़्यादा हैवी है तो आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसको पुश करने के लिए, अदरवाइज वो पुश नहीं होगा, वो अपनी प्लेस से मूव भी नहीं होगा। लेकिन अगर जैसा आप इस सिचुएशन में देख रहे हैं कि आपने एक और फ्रेंड की हेल्प ली है कि उसको अपन पुश करते हैं तो दोनों मिल के उसको पुश कर रहे हैं, और आप नोट करिए कि ये दोनों मिलकर इसको इस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इन दोनों का फोर्स ऐड हो जाएगा और ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा और ये इजिली मूव हो जाएगा। ओके चिल्ड्रन, तो ये इसका मोशन, ये मूव भी करता है, इसका मोशन मतलब ये मोशन में आता है और इसका डायरेक्शन भी चेंज होता है। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन में ये मूव करेगा। तो फोर्स, वी कैन सी कि फोर्स अप्लाइड हो रहा है। लेकिन इस सिचुएशन में आप देखिए कि अगर आप अपने फ्रेंड को बोले कि आप इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और आपका फ्रेंड इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, इट मीन्स आप दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जबकि यहाँ पर सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा था। अब क्योंकि यहाँ पर सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा था तो आप दोनों का फोर्स, इन दोनों का फोर्स ऐड होकर और ये इजिली मूव हो गया, पुश हो गया, फोर्स इजिली अप्लाई हो गया। लेकिन यहाँ पर ये भी इधर फोर्स लगा रहा है, ये भी इधर फोर्स लगा रहा है, और अगर इन दोनों का फोर्स सेम होगा तो ये मूव नहीं होगा। लेकिन सपोज करिए ये इस डायरेक्शन में मूव हो गया तो इट मीन्स ये जो फोर्स लगा रहा है, अप्लाई कर रहा है, वो इसके फोर्स से लार्जर है, इसीलिए बॉक्स किस डायरेक्शन में मूव होना हुआ? इस डायरेक्शन में। लेकिन अगर बॉक्स इस डायरेक्शन में मूव होता है, इट मीन्स ये जो फ्रेंड है, इसने, ये जो बॉय है, इसने ज़्यादा फोर्स अप्लाई करा इसी कंपेरिजन में, इसलिए जो बॉक्स है वो इस डायरेक्शन में मूव हुआ। ओके चिल्ड्रेन, Have you ever seen a game of tug of war? In this game, two teams pull at a rope in opposite direction. Figure 11.5. Members of both the teams try to pull the rope in their direction. Sometimes the rope simply does not move if it is not similar to the situation shown. Figure 11.3b. The team that's pull harder that applies a larger force finally wins the game. What do these examples suggest about the nature of force? Force applied on an object in the same direction act to one another. Now recall what happened when you and your friend pushed the heavy boxes in the same direction. Activity 11.2. If the two forces act in the opposite direction on an object, the net force acting on it is the difference between the two forces. What did you observe in the activity 11.2 when both of you were pushing the heavy box from the opposite directions? Recall that in the tug of war, when two teams pull equally hard, the rope does not move in any direction. So we learned that a force could be larger or smaller than the other or equal to each other. The strength of a force is usually expressed by its magnitude. We have also to specify the direction in which the force acts. Also, if the direction or the magnitude of the applied forces changes, its effect also changes. So children, हमने ये टग ऑफ वॉर गेम भी हम देख चुके हैं, कई बार हमने खेला भी होगा। तो इसमें हम देखेंगे कि दो टीम होती है और इस तरीके से जो रोप है उसको अपनी अपनी तरफ पुल करके जीतने की कोशिश कराती है अपनी टीम को। लेकिन अगर इस टीम का और इस टीम का जो फोर्स है वो सेम अप्लाई हो रहा है, ये भी इसको अपनी तरफ पुल करना चाह रहा है, ये भी इसको अपनी तरफ पुल करना चाह रहा है, और अगर सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है तो ये रोप अपनी जगह स्टेबल रहती है, ना इधर आती है ना इधर आती है, कोई भी टीम विन नहीं होगी। लेकिन सपोज करें कि इस टीम का जो अप्लाइड फोर्स है वो ज़्यादा है तो ऑब्वियसली जो ये रोप है ये इसकी तरफ इस डायरेक्शन में पुल हो जाएगी और ये टीम विन हो जाएगी। तो व्हाट वी विल ऑब्जर्व इन बोथ थ्री कंडीशन कि कि जिस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो रहा है ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव होता है। So we can say that a force has magnitude as well as direction. So children, about force, what we can say? We can say that
a force can move an object from rest. It can change the direction of an object. It brings the object to rest. एक कोई भी moving object उसको rest में ला सकता है. And it can either decrease or increase the speed of an object and changes the shape of an object. और ये सब हम detail में अपने next session में study करेंगे. Okay children, thank you.